बेमेतरा परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते कॉलेज के छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा बस किराए में छूट। ज्यादा किराए के चलते बच्चों को परेशानी हो रही है। छात्र छात्राओं ने और NSUI ने मिलकर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे को ज्ञापन सौंपा। शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। बता दें कि नवागढ़ विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय होने के कारण शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ में पूरे विधानसभा के दूर दूर से पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को बस का पूरा किराया देना होता है, जिसके चलते प्रतिदिन छात्र छात्राएं महाविद्यालय नहीं आ सकते और उनकी पढ़ाई पर गहरा असर इसका हो रहा है। कोई मारो से, कोई डाड़ी से, कोई छिरहा कठोतिया से, तो कोई नांद घाट से यहाँ पढ़ने आता है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण समस्या छात्र छात्राओं को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव और नवागढ़ विधानसभा के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे से मांग की है कि महाविद्यालय की समस्त छात्र छात्राओं का बस किराया आधा किया जाए। शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के सारे नियमित छात्र छात्राएं जो बस दो बच्चे दूर दराज के आते हैं, जो बस किराया दे के आते हैं पूरा, उस किराए में आधा छूट हो, इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव नवागढ़ विधायक श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे जी के निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन दिए हैं और माननीय जी ने अवगत हम लोग को आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों के पश्चात सारे बच्चों का बस पास बन के आ जाएगा, जिससे सारे बच्चों को बस का जो पूरा चार्ज लगता है वो आधा लगेगा। हम लोग दूर दराज से जो हमारे महाविद्यालय में गर्ल्स बॉयज छात्र छात्राएँ आते हैं, उनके लिए उनका फीस बहुत ज़्यादा है बस का टिकट। इसके लिए आज हम लोग माननीय संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भैया के पास आज हम लोग गए थे, तो भैया ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि दूर दराज से जितने भी बच्चे आते हैं उन लोग का बस पास निःशुल्क किया जाएगा या फिर हाफ किया जाएगा। इसके लिए संजू जैन की रिपोर्ट।